शनिवार को राजकीय पॉलिटेक्निक के मुख्य गेट पर विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के सचिव ब्रजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में भारी संख्या में विद्युत कर्मी इकट्ठा हुए और चाय पकौड़े विक्रय केंद्र का स्टॉल लगाकर विद्युत निजीकरण के विरोध में चाय और पकौड़े बेचने लगे और निजीकरण के विरोध के बारे में नारे भी लगाए। मजेदार बात ये रही कि आने जाने वाले लोग चाय पकौड़े खरीदे भी। अन्यथा यहाँ के जो लाइन लगी हुई है लोग हाथ हो गया सबको बेच रहे हैं। ये सरकार बिजली विभाग के कर्मचारी नागरिकों का विरोध है इस प्रदेश सरकार के खिलाफ। प्रदेश सरकार ये मोदी प्रदेश के सभी नौजवान साथी ये देखिए ये चाचा आ गए बिजली विभाग से हटने वाले थे। बिजली विभाग का निजीकरण कर दिया हत्ती पकौड़ा और बेचकर राष्ट्रीय पुरस्कार चाहते हुए बच्चों को कहीं पढ़ाएंगे और पकौड़ा बनाना सिखाएंगे जो युवा अपने मन मनसा को लेकर के बड़े बड़े स्कूलों में टीका लिए हैं कि आज हम डॉक्टर को जो है पकौड़ी बना रहे हैं। ये लोग सीख करके घर घर से आ रहे हैं, घर से सीख करके आ रहे हैं, ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं। पकौड़ी बनाने में इनको बड़ी दिक्कत हो रही है। आपको चाय भी दी जा रही है जायकेदार, एक बार गलती भी हो सकती है थोड़ा ठीक है देखिए इनसे फिर उसको सुधारा जाएगा। हमारे गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के ब्रजेश त्रिपाठी और सदस्य कृष्ण मोहन यादव ने कहा, आज का कार्यक्रम है कि जो भी बिजली विभाग को निजी हाथों में बेचने के कैबिनेट ने पास किया है उसकी खुशी के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन यह सड़क पे मामला इस नाते आ गया कि एक उगी बांगी सरकार हम लोग की बातें शांतिपूर्ण तरीके से नहीं सुन रही थी। हमको जनता के बीच में आकर बताना चाहते थे कि देखिए आपका निजीकरण होते हुए हमारे जो भी युवा साथी हैं जो भी भविष्य में आशा कर रहे हैं कि बिजली विभाग में नौकरी करेंगे पॉलिटेक्निक करके और बीटेक करके, आपको स्थिति आने वाली है कि जो भाजपा सरकार के जो नेताओं की सोच है कि हम पकौड़ा बेचवाएंगे युवाओं से उसी को हम दर्शाना चाहते हैं कि ये समय आने वाला है क्योंकि हमारे साथ होने वाला है, कल आपके साथ होने वाला है। इसलिए अगर पकौड़ा बेचने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शाह जी ने कहा था कि ये पकौड़ा बेचना सबसे अच्छी चीज है वो भी एक रोजगार होता है, उसी रोजगार को हमने चालू किया है। हम लोग हम सभी बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ सब लोग बीटेक एमटेक आईटीआई पॉलिटेक्निक बीए एमए करके
हम लोग बिजली विभाग में नौकरी करते हैं और बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ हम लोग का ये शांतिपूर्ण ये विरोध प्रदर्शन है प्रदेश सरकार के खिलाफ, और हम लोग मोदी जी के सपनों को दिखा रहे साकार करेंगे। अब इसी तरह सारी सरकारी विभागों को जब आप निजीकरण कर देंगे तो स्थिति हम लोग की पकौड़ा बेचने की स्थिति हो जाएगी। इस माध्यम से हम उनको बताना चाहते हैं और उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि सरकारी विभागों को आप निजीकरण करने से रोकिए और उनको सही मार्गदर्शन में कार्य करवाइए। आज का कार्यक्रम क्या है और कहां पर था? आज का कार्यक्रम कहां पर किए हैं? आज का ये कार्यक्रम हमारे ये गोरखपुर का सबसे पुराना राजकीय पॉलिटेक्निक गोरखपुर के स्थान को हम लोगों ने चुना है, क्योंकि इस संस्थान से लाखों लड़के इंजीनियरिंग की डिग्री लेके बाहर जाते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं। इसी तरह सारी सरकारी विभागों का निजीकरण होता रहा तो आने वाले समय में नागरिक अपने बच्चों को पढ़ाई कराना बंद करके चाय और पकौड़ा बेचने का कार्य ही सिखाएंगे।